अभिनव तुम यहाँ हो? मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मॉम ये अब भी आया है? मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ। मैं सारा दिन बाहर था जिम। सारा दिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, पता है मैंने तुम्हें कितने सारे पेजर भेजे? अभी ना मैंने ये सारी चीजें तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस ऊंचा रहे, इसलिए दिए ताकि जब भी चाहो मैं तुम तक पहुंच पाऊं। इस मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता है जी। और पेजर? पेजर का वो मैं। मॉम गिव हिम अ ब्रेक। क्या हो गया है? तुम दोनों की दोस्ती क्या हो गई है? इसका मतलब ये नहीं शेफाली कि तुम जब भी चाहो हम दोनों के बीच में बोलो। आप अभिनव को घर में तभी क्यों नहीं बुलाती जब आप घर पे होती है? तुम्हें क्या लगता है इस घर के चक्कर काटने के अलावा अभिनव के पास दूसरा कोई काम धंधा नहीं है? वो तब भी आता है जब मम्मी घर पर होती है या आने वाली होती है। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं जब भी घर पे आता हूँ वो यहीं पे होता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो शेखर प्रसाद? मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, है ना शेफाली? तुम दोनों बस भी करो। शेखर जब अभिनव और शेफाली की नहीं बनती थी तब तुम हमेशा अभिनव की तरफदारी करती थी, अब जबकि बनने लगी है तुम्हें वो बात भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम दोनों एक बार बैठकर डिसाइड करो कि अभिनव के साथ कैसे पेश आना है। देखो तुम लोग मेरे बारे में ऐसे डिस्कशन कर रहे हो जैसे कि मैं एक फर्नीचर का टुकड़ा। मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूं, एक घंटे में लौट आऊंगा। नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते? और तुम तुम्हारा अफेयर घर के बाहर नहीं रख सकते क्या? तुम लोग डिस्कशंस करो, मैं अपने रूम में जा रही हूं आराम करने। मम्मी आपको आपकी बेटी और बॉयफ्रेंड पर नजर रखनी चाहिए। क्या? आई डोंट नो मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पागल तो नहीं हो गए शिखर? अभिनव और शेफाली के बनने क्या लगे? तुम इस नतीजे पे पहुंच गए कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अपना दिमाग चेक करवा। इतने महीनों बाद घर में सुख और शांति है। तूफान के पहले की शांति है मम्मी, मेरी बात अच्छी तरह याद रखना। कृष्णा बोल रही हूँ। कृष्णा कैसी हो बेटा? आंटी पापा ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं आजकल, और इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों करते हैं वो? सुनो कृष्णा। आंटी प्लीज प्लीज मुझे बताइए क्या बात है, मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर आप भी क्यों नहीं जाती हैं ऑफिस? पापा भी दिन भर घर पर रहते हैं और मुझे तसल्ली देते रहते हैं कि सब ठीक है। अभी कहाँ है वो? अपने रूम में। और आंटी वो पी रहे हैं और मैं कुछ पूछने जाती हूँ तो मुझे डांटने लगते हैं। देखो कृष्णा तुम रोना मत, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आंटी आप यहाँ आ जाइए और उनसे बात कर लीजिए। आंटी मैं अभी कैसे आ सकती हूँ बेटा? आंटी प्लीज मुझे समझ में नहीं आ रहा आंटी मैं क्या करूँ। देखो तुम फिक्र मत करो, कल सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं उनको जाके समझाऊंगी। ओके आंटी बाय। किसका फोन था? मेरे सेक्रेटरी का। हाँ क्या कल ऑफिस बुलाया है? कुछ घंटों के लिए बुलाया है, कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है। बात तो एक ही है ना?
बात एक ही नहीं है रवि, इनकम टैक्स की फाइल सबमिट करनी है और फिर कुछ जरूरी सिग्नेचर्स भी करने हैं। ये सारा काम तो घर पे भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एनीवे मैं घर पर बैठकर क्या कर रही हूँ, फटाफट जाऊंगी, काम निपटा लूंगी और चली आऊंगी। अगर तुम घर पर बैठकर कुछ नहीं कर रही हो तो तुमने छुट्टी ली ही क्यों? जवाब दो मेरी बात का। शोमू का वो तुम्हें ऑफिस में मिस कर रहा है, तुम्हारे बगैर अकेला महसूस कर रहा है। उसी ने ये इनकम टैक्स और सिग्नेचर का बहाना बना के ऑफिस बुलाया ना तुम्हें। प्लीज एक बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, एक बार मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारे और शोमू के बीच में क्या रिश्ता है मुझे प्लीज बता दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं ना अलग होऊंगा ना ये घर टूटने दूंगा, लेकिन एक बार मुझे बताओ प्रीति, तुम्हारी इस खामोशी को क्या मैं हां समझूं, समझ लूं कि तुम्हारे और शोमू के बीच कुछ है? अभी तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे इन सवालों से। मेरी लाचारी और तुम्हारी शक करने की आदतों को कब किस हद तक बर्दाश्त करूंगी मैं? रवि, फॉर गॉड से तुम्हें जो कुछ भी पूछना है ना पूछ डालो, मैं तुम्हें हर बात का सच सच जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन भगवान के लिए एक वादा करो मुझसे, वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे ये सवाल कभी नहीं पूछोगे। ठीक है, तो ये बताओ कि तुम्हारे और शोमो के बीच रिश्ता है या नहीं है? है कि रिश्ते की बात करते हो तुम रवि? तुम अच्छी तरह जानती हो प्रीति, जिस तरह का रिश्ता तुम सोच रहे हो ऐसा रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच। तो किस तरह का रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? जैसा दो साथ साथ काम करने वाले ऑपोजिट सेक्स के लोगों के बीच में होता है, दोस्ती का, एक प्रोफेशनल कंपेनियनशिप का, एक दूसरे की कामयाबी पर खुश होने का, एक दूसरे के वजूद को और जाति जिंदगी को रिस्पेक्ट देने का। आई सी, तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में खुल के बात की होगी, है ना? तब तो सोनू जान गया होगा कि तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, ये भी जान गया होगा कि मैं कैसा आदमी हूं, तुम्हें कैसे ट्रीट करता हूं, उसे ये भी पता होगा कि मैं एक शराबी हूं, है ना? और उसे ये भी पता होगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, है ना? सोनू और मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं डिस्कस करते। हाँ, लेकिन उस दिन उसने मुझे नशे में डूब देखा था, याद है? देखा था मैंने तुम्हारे साथ किस तरह बदतमीजी की थी, किस तरह मैंने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी, है ना? अगले दिन ऑफिस में उसने तुमसे क्या कहा? हमदर्दी जताई, तरस आया तुम पर। प्रीति, तुम किस जाहिल इंसान के साथ फंस गई हो? हमारी बहस एक सवाल से शुरू हुई थी। तुमने मुझे एक सवाल पूछा था कि मेरे और शोमू के बीच में किस तरह का रिश्ता है। मैंने तुम्हें बता दिया था कि जिस तरह का रिश्ता तुम सोच रहे हो वैसा रिश्ता हम दोनों के बीच में नहीं है, बस बात खत्म। इसके आगे इस टॉपिक पर मैं बहस नहीं करना चाहती, इसलिए कि इसका कोई अंत ही नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। तुम पर मेरा पूरा अधिकार है, समझी? तुम्हें कोई हक नहीं है ये डिसाइड करने का कि व्हेन आई एम गोइंग टू प्लीज लीव मी अलोन और कब तुम्हें मेरी कंपनी की जरूरत होगी, ये मैं तय करूंगा, सिर्फ मैं, समझी? प्रीति, प्रीति, मैं कला मंदिर से 50 पीसेस की ऑर्डर लेके आ रहा हूँ। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि 10 पीसेस वो दुबई के शोरूम में भी रखेंगे। अंजलि अंजलि अंजलि।
लखनऊ में अपने मम्मी को फोन कर दो और मम्मी से कहना वहां पे एक वर्कशॉप शुरू कर ले, पर हमें कम से कम 50 पीसेस हर वीक में चाहिए। क्यों? पर वैसे भी हमारे पास घर में जगह की कोई कमी नहीं है। वो पीछे का एक्स्ट्रा रूम है ना, वहाँ पे हम 2-3 मशीनें बैठा देते और टेलर से कहते कि वेस्टर्न आउटफिट यही सिल दे, और नए आइडियाज की हमारे पास कोई कमी नहीं है। सही बात है आशीष, अगर हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा ना तो एक साल में हम कम से कम छोटा सा क्यों ना हो अपना शोरूम तो बना सकेंगे, है ना? क्यों नहीं, सच है। अंजलि, अंजलि। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। हे अंजलि, क्या हुआ? देखो अंजलि, अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों तुम्हारे बिजनेस में कुछ जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं तो हमें साफ साफ कह दो। कम ऑन, मैं तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि हमारा बिजनेस इतना प्रॉस्पर करेगा कभी। और देखो, हमारे से मेरा मतलब है हम तीनों का। क्या? हाँ सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। यू एंड योर आइडिया? क्या भाई? सुनो, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करें? क्या? कंपनी। कंपनी का नाम होगा ASA, आशीष शेखर अंजलि। ASA हमारी कंपनी का लेबल होगा। हम तीनों इस कंपनी के बराबर के हकदार होंगे। पता है, ये कंपनी हम तीनों का सबसे खूबसूरत सपना होगा, और ये सपना हम तीनों मिलकर पूरा करेंगे। हाँ अंजलि, और अपना ये सपना पूरा करने के लिए हमारे पास इतनी अच्छी जगह तो है ही, है ना? हाँ शेखर, वो कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद उम्मीद की एक किरण नजर आती है। शेखर, जब आलू वाली ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाला था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास रहने के लिए इतनी खूबसूरत जगह होगी और हम तीनों इतने अच्छे दोस्त बनकर रह पाएंगे। मुझे भी ये लगता है कि जो कुछ हुआ इस घर की वजह से हुआ है। वाकई ये घर बहुत ही लकी साबित हुआ है। जितना सुकून मुझे अपने घर नहीं मिलता, यहाँ आकर मिलता है। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये घर हमें कभी भी खाली नहीं करना पड़े। अब हम हमेशा यहीं पे रहेंगे, न टूटने वाले रिश्तों की बुनियाद रखेंगे हम, है ना? ये लीजिए, कितने पैसे दिए थे ना मेरे बेटे ने आपको, उसके पैसे उसे वापस कर दीजिए और उस लड़की को एक हफ्ते के अंदर घर से निकाल दीजिए। लेकिन शेखर ने जो पैसे दिए थे वो है मेरे पास। वो आपके लिए। लेकिन जया जी। लेकिन कुछ नहीं पोपट जी, मैं जानती हूँ वो घर किसका है। सतीश पॉल जी के साथ हमारे नजदीकी बिजनेस तालुका था। वो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, उनकी मुंबई में 11 प्रॉपर्टीज है और उन सारे प्रॉपर्टीज का बिजनेस उन्होंने आपके हाथ में सौंपा है। अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो मैं उन्हें कह दूंगी कि आप उनकी प्रॉपर्टीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उस बेचारी लड़की की क्या गलती है? मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ। आपके इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। आपने अगर मेरा कहा नहीं माना तो आपको अपने रोजी रोटी से हाथ धोने पड़ेंगे। हाँ, और एक बात पोपट जी, आशीष शेखर या अंजलि को ये पता नहीं चले कि मैं आपसे मिली थी। लेकिन मैं उनको घर खाली करने के लिए क्या वजह बताऊंगा? वो सब आपका प्रॉब्लम है, आप बस मैंने जो कहा है वो करिए, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जया जी, जया जी, जया जी सुनिए तो। किससे मिलने आए हो? आयशा, शिखा से। शिखा? तुम शिखा को कैसे जानते हो? वो हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। ओह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर बीए में। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? इकोनॉमिक्स। अच्छा, तुम्हारा सरनेम क्या बताया था तुमने? नहीं बताया। क्या है सरनेम? जोशी। जोशी, संजीव जोशी। महाराष्ट्र के हो? भोपाल का। गुड 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 मतलब
मतलब कि मैं शिखा का दादा हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी पोती के साथ कौन मिलने आया है। सत्य सिंह भाई, वो शिखा को कहो कि उनसे मिलने वो संजीव जोशी आए हैं। शिखा, शिखा बिटिया, अरे बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कोई आवा है। अरे चिल्ला के क्यों बुला रहे हो, वो तो मैं भी बुला सकता था। हाँ ना, हम यही तो सोच रहे थे कि आप खुद ही कहा चिल्ला के बुला नहीं लिए, तुमको बिला वजह तकलीफ दिया। कौन है, कौन है, लड़ा, कौन है? संजीव जोशी आए हैं। अरे तुम कैसे जानती हो इसे? डरा, ये हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं ना। ये बात हो रही है कि आजकल हमसे जरा नाराज रहते हैं। नाराज क्यों भाई? क्यों मतलब, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। हाय हाय संजीव। हाय शिखा, किताब खत्म नहीं हुई अभी तक? नहीं, बस 2-3 पेजेस बाकी है। क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली कॉलेज का फ्रेंड मुझसे पहले बार मिले आया ना, इसीलिए। ओह, लेकिन शिखा तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं आई। कॉलेज? क्या तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं गई शिखा? नहीं, एक्चुअली डारा एक फालतू वो पढ़ रही थी ना अंदर, इसीलिए। यू शट अप डारा, पता है इसने लैम्पशेड तोड़ दिया। लैम्पशेड? अच्छा, अरे डारा कुछ नहीं, ये ना बात को बदल रही है, घुमा रही है। जरा इनसे पूछे पूछे ये 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं गई, पूछे पूछे पूछे। हाँ भाई, 2 दिन कॉलेज क्यों नहीं गई? अरे आप यही बात नहीं है? हाँ। अरे 2 दिन से सुबह का नाश्ता, दोपहर रात का खाना सब ही कमरे में बैठ के करती है, ताकि तुमको पता ना चले कि कॉलेज नहीं गई है। सती सिंह ठीक है, तुमने भी धोखा दिया ना बेटे। लेकिन कॉलेज ना जाने का कारण तो बताओ। अरे डाडा मैं बताती हूँ, ये बुक है ना, ये किताब है ना, ऐसे पढ़ रही थी जैसे कि पता जैसे, नहीं। जैसे जैसे हजारों लाखों लोग इस किताब के पीछे पड़े हो और इसने ये किताब उन हजारों से लड़ कर ली हो। अरे तुम भी यही सोचते हो संजीव? हाँ डाडा, डाडा डाडा बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो डाडा मैं भी समझता हूँ कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने खाली टाइम में इसका मतलब ये तो नहीं कि, हाँ, कि उसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस बुक ली और खत्म करके ही छोड़नी है। अरे डाडा ये लड़की तो पागल, देखा डाडा ये लड़की पागल हो रही है। चलो क्या लगे संजीव तुम? चाय चलेगी? हाँ चलेगी, चलेगी, चलेगी। सत्य सिंह हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। तो क्या कह रही थी मैं? चाय बनाने को। सत्य सिंह जाओ। तो क्या कह रही थी मैं? तुम बात घुमाने की कोशिश कर रही थी कि तुमने अपने कमरे का जो लैंप शेड है उसे फोड़ दिया है और अब यहाँ पर शिखा की किताब की बात कर रहे हैं। अरे डाडा संजीव आया, कुछ अच्छी बातें करो ना, कुछ अच्छी। तुम्हें कुछ अच्छी बातें आती हैं? हाँ आती है। देखा, मुझे भी आती है। आयशा, उस पार्टी के बारे में बात करें जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे घर पे। शिखा किधर गई है? अभी तो यहाँ से मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। ना तुम बातें करो, बातें करो। जरूर कोई शरारत की होगी, है ना? अरे